गुड मॉर्निंग बच्चों, फिनॉल का चैप्टर हमने देखा था, स्टार्टिंग किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें हमने देखा था फिनॉल की डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एसिडिक बिहेवियर भी देखा था और प्रिपरेशन देखी थी। आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की। अब चूँकि फिनॉल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों ग्रुप की यानी बेंजीन रिंग की और जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड OH ग्रुप है, इनकी रिएक्शंस, उसके साथ में कुछ स्पेशल रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, वो हमको इसमें देखनी है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की। रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की जो रिएक्शंस है वो कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ एल्कली मेटल एंड एल्कलीज, इसके साथ में किस तरीके से फिनॉल अभिक्रिया करता है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फिनॉल रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं और सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल रिएक्ट विथ एल्कली मेटल एंड एल्कली मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट विच आर नॉन एज फिनॉलेट्स, और हम इसको फिनॉक्साइड भी बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये फिनॉल की। नीचे एक रिएक्शन देखिए आप, इसमें फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है और तब भी ये वही बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, और वाटर यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, कि फिनॉल की जब रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो अब फेरिक क्लोराइड की कैसे रिएक्ट करेगा। अब दोनों ही रिएक्शन, अब हेडिंग क्या डाला है आपने, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, मीन्स बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है पर्टिकुलर, वहाँ पर हम रिएक्शन को देख रहे हैं। तो जब रिएक्शन हो रही है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड के साथ, क्या है, अनलाइक एल्कोहल्स फिनॉल रिएक्ट विथ न्यूट्रल FeCl3 टू गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। आपने अगर प्रैक्टिकल में ध्यान दिया हो, FeCl3 को हम न्यूट्रल करते हैं, उदासीन FeCl3 करते हैं, तो जब क्रियात्मक समूह के टेस्ट हम लगाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग रंग हमको देखने को मिलते हैं जब कंपाउंड में हम न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं। और अगर वो फिनॉल है तो, जैसे बीटा नेफ्थोल है, अल्फा नेफ्थोल है, फिनॉल है, रिसॉर्सिनॉल है, तो हमेशा अलग अलग कलर्स देंगे, ग्रीन कलर दे सकता है, वॉयलेट कलर दे सकता है। वही यहाँ पे इसको समराइज़ किया हुआ है, क्या दे रखा है कि अगर फिनॉल है, रिसॉर्सिनॉल है और या पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो वॉयलेट कलर देगा, ऑर्थोक्रिसोल या कैटकोल है तो ग्रीन है, मेटाक्रिसोल या पैराक्रिसोल है तो ब्लू कलर देगा, और क्विनॉल या पैरोगेलोल है तो रेड कलर, और अगर ये दूसरा है फ्लोरोग्लिसिनॉल तो डीप वॉयलेट कलर देगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो बन रहे हैं हमारे, अलग अलग कलर्स के हमको नज़र आते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के कारण हमको कलर में नज़र आते हैं। ओके, अब इसी के आगे हम रिएक्शन देखते हैं और कौन सी है, जिंक डस्ट के साथ। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, किस तरीके से फिनॉल रिएक्ट करता है, सिंपल, हमने इसको टेम्परेचर दिया है और OH ग्रुप यहाँ से हटेगा और हमको मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ बेंजीन यहाँ पर बनती है। सेम रिएक्शन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, H2 ऐड किया है यहाँ पे, बेंजीन यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, जिसे हम ईथर फॉर्मेशन या एल्काइलेशन का नाम भी देते हैं, ईथर यहाँ पे बनेगा। फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड इन एल्काइल सॉल्यूशन गिव्स ऑर्थो एल्काइल डेरिवेटिव्स और एरोमेटिक ईथर। एक देखिए आप रिएक्शन, यहाँ पर ये फिनॉल हमने लिया है और सबसे पहले हम NaOH की अभिक्रिया यहाँ पे करवाते हैं, तो ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, और जब एल्काइल हैलाइड के साथ ये अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है फिनोलिक ईथर C6H5OR। Na यहाँ से हटेगा, जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है उस हैलोजन के साथ ये सोडियम यहाँ से रिमूव होता है। तो ईथर फॉर्मेशन का जब कभी भी एग्जाम में आ जाए कि फिनॉल से आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे अभिक्रिया हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ और उसके बाद जो फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड, उसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्काइल हैलाइड से, तो हमको यहाँ पर फिनॉलिक ईथर मिल जाएगा। तो ये तो अभिक्रिया हुई इसकी एल्काइलेशन की। नेक्स्ट इसी में आगे और एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 या PCl5 अगर हमने लिया है तो अभिक्रिया कैसे होगी। अनलाइक एल्कोहल इन फिनॉल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय हैलोजन इज डिफ़िकल्ट, बहुत आसानी से हम नहीं हटा पाते हैं, देयरफॉर फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड बट इट रिएक्ट विथ PCl3 और PCl5, इससे हम अभिक्रिया करवा सकते हैं। ये देखो रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे आप सभी, फिनॉल के साथ PCl5 जो अभिक्रिया कर रहा है,
तो ये OH ग्रुप यहाँ से हटेगा, रिप्लेस होगा, और क्या आएगा यहाँ पर, क्लोरो ग्रुप। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरो बेंजीन। इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें तो हमने 1:1 का रेशियो लिया, ऊपर जो रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट में इसी में अगर हमने रेशियो चेंज कर दिया है, 3 यहाँ पर फिनॉल के हमने अणु लिए हैं और PCl5 लिया है, तब क्या बनेगा, ये ट्राई फिनाइल फॉस्फेट C6H5O4। तो प्रोडक्ट एकदम से यहाँ पर चेंज हो गया है। अभिक्रिया हम देखते हैं अमोनिया के साथ। फिनॉल रिएक्ट्स विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट हाई प्रेशर टू गिव अ मोर एरोमेटिक एमीन, दैट इज एनिलिंग यहाँ पे बनता है। क्या क्या है यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन हम देखें, C6H5OH+NH3। फिनॉल के साथ अमोनिया की अभिक्रिया है, करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन है, और जिंक क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया देता है, एनिलीन यहाँ पर बनेगा। तो एनिलीन के फॉर्मेशन का मेथड भी यहाँ से एक तरह से हमको मिल गया है। अब बात करते हैं अदर रिएक्शंस की। अदर रिएक्शन कौन सी हैं, अभी तो हमने देखी थी फिनॉल की अभिक्रिया में जो OH ग्रुप की अभिक्रिया है, अब हम देख रहे हैं बेंजीन रिंग की कौन सी रिएक्शन, जैसे पर्टिकुलर बेंजीन रिंग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक इट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब पिछली क्लास में आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक सिस्टम में संपन्न होती है। कब होगी, फिनॉल के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। उसका कारण क्या है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि जब बेंजीन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि ऑक्सीजन पे जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो डोनेट करता है, या वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में नेगेटिवली चार्ज क्रिएट होता है। पिछले लेक्चर में मैंने फिनोक्साइड आयन आपको बनाया था इसके अंदर, तो आपको याद आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, और ये प्रतिस्थापन किस पे हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। कैसे होता है देखें, अब इसमें एग्जाम्पल्स भी आएंगे। हेलोजिनेशन हम करवाएंगे, जिसमें हम ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन भी देख सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं नाइट्रेशन अभिक्रिया है, सल्फोनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और फ्रिडल क्राफ्ट सबने पढ़ रखी है रिएक्शन, लास्ट टाइम भी आपने पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम देख रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के, और ये है हमारा हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन, अ पॉली हेलोजन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इफ अ डी एक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो और पैरा, इट ऑल्सो गेट डिस्प्लेस्ड बाय हेलोजन। तो यहाँ अपन ने फिनॉल लिया है और जली विलयन है यहाँ पर हेलोजन थ्राइस Br2। तो ये देखो क्या बनेगा, ये तीनों पोजिशन यहाँ पर एक्वायर हो जाएगी। OH लगा हुआ है, दोनों OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तो हम इसको क्या नाम देंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये कंपाउंड हमको मिलता है। अब रिएक्शन हो रही है इसकी चेंज, हमने क्या लिया है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है OH के रेस्पेक्ट में, और हम यहाँ पर ले रहे हैं जलीय अवस्था है, ब्रोमीन हमने लिया है, तब भी ये क्या बनेगा, ट्राइब्रोमो फिनॉल। द ऑप्टेन मोनो हेलोजन प्रोडक्ट्स, हेलोजन टू ऑप्टेन मोनो हेलोजन प्रोडक्ट्स, हेलोजिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। और हमें क्या यहाँ पर होना ज़रूरी है, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय विलायक यहाँ पर चाहिए, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो। तो फिनॉल हमने लिया है और रिएक्शन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर काफ़ी लो है, अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या बना है, केवल एक ही पोजीशन पे प्रतिस्थापी समूह लगेंगे। देखो आप, ये क्या बना है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और एक और क्या बना है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया हम हमेशा करवाते हैं कंसनट्रेट HNO3 लेकर के। HNO3 हमने लिया है यहाँ पर, डाइल्यूट फॉर्म करा है इसको, और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो जब डाइल्यूट हमने लिया है यहाँ पर, तो फिनॉल क्या दे रहा है, मिक्सर दे रहा है, या मिश्रित हमको उत्पाद मिल रहे हैं ऑर्थो और पैरानाइट्रो फिनॉल के। सिंस नाइट्रिक एसिड कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO2, कुछ मात्रा में नाइट्रस एसिड भी प्रेजेंट होता है नाइट्रिक एसिड में, और इस वजह से इनिशियली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड नाइट्रस एसिड नाइट्रोसो प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। तो HNO2 के कारण हमको नाइट्रोसो प्रोडक्ट भी मिलते हैं, कैसे देखे हो आप, HNO3 यहाँ पर है और इसके साथ क्या है कह रहा है यहाँ पर, HNO2 भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है।
अब इन दोनों की अभिक्रिया जब हुई तो ये क्या बना है, नाइट्रेट आयन अलग से बन गया और एक दूसरा अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक और रिएक्टेंट अपने को मिल रहा है। और ये जब ब्रेक हो रहा है इसका, वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये बना है नाइट्रोसिल आयन NO पॉजिटिव। और इसकी अभिक्रिया जब फिनॉल से होगी तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर रिएक्ट होकर के पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। तो इस तरह से नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में हम कह रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल तो बनता ही है, कुछ मात्रा में यहाँ पर नाइट्रोसो अभिक्रिया होगी। कारण क्या है, HNO2 भी कुछ मात्रा में उपस्थित होगा और प्रोडक्ट हमको पैरा नाइट्रोसोफिनॉल के रूप में मिलता है। तो ये बात हुई नाइट्रेशन की। अब रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसकी सेम, अगर NO यहाँ पे लगा हुआ है पैरानाइट्रोसोफिनॉल और फिर से हमने ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवा दिया HNO3 लेकर के, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पैरानाइट्रोफिनॉल। इन द अबव रिएक्शन नाइट्रस एसिड इज रिलीज्ड विच हेल्प्स इन फ्यूचर नाइट्रोसोफिनॉल ऑफ नाइट्रो सॉरी इन द अबव रिएक्शन नाइट्रस एसिड इज रिलीज्ड विच हेल्प्स इन फर्दर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, पहले आपने क्या देखा था, इसमें नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में था, तनु था, अब हम सांद्र ले रहे हैं, तो तीनों पोजीशन फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा वाली एक्वायर्ड हो जाएगी और ये बनता है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसे हम कॉमन नेम में पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये बात करते हैं सल्फोनेशन की, सल्फोनीकरण, जिसमें हम ले रहे हैं सांद्र H2SO4 और करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर हमने लिया है मेंटेन, तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन या हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ऑर्थो, लेकिन अगर टेम्परेचर हमने ज़्यादा करा, देखो आप यहाँ पर क्लियर डिफरेंस, फिनॉल है, दो यहाँ पर रूट अपन ने बनाए, एक तो कंसनट्रेट है दोनों में और टेम्परेचर एक जगह पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे रूट में आपको दिखेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन प्रोडक्ट जब लो टेम्परेचर है तो बन रहा है ऑर्थो, जबकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो बनेगा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये तो हुई बात रिएक्शंस की, फिनॉल के OH ग्रुप की और बेंजीन रिंग की। इस रिएक्शन के अलावा भी मेन रिएक्शन या हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो बाय नेम जानी जाती है, वो टोटल 7 रिएक्शन है, लास्ट में 8 पॉइंट है, पिनेकॉल पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट, ये ग्लाइकॉल में था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब मैं आपको समझाऊंगी तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो हमको पढ़नी है, डायमेंटिमन अभिक्रिया, कॉल्बे रिएक्शन, फ्राइस रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, संघनन अभिक्रिया, गाटरमैन सिंथेसिस, लिबरमन नाइट्रोसो, होबेनहुश और पिनेकॉल पिनेकॉल ऑन पुनर्विन्यास। और इन सभी रिएक्शंस को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि हर रिएक्शन 4 to 5 स्टेप की रिएक्शन है, सब स्टेप में अलग अलग से यहाँ पर इंटरमीडिएट्स भी बनेंगे हमारे पास में, कुछ अटैकिंग रिएजेंट्स भी आएंगे, तो ध्यान से आपको इसको देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी मैं रायमेटिमान रिएक्शन से। ओके बच्चों, थैंक यू।